popular Jewelry Week event ki first day rahi star-studded. Here's a glimpse of the glitterati on the ramp. जैकी श्रॉफ नजर आए एक एक्टिंग एकेडमी के लॉन्च इवेंट पर, जहां उन्होंने सबसे काफी इंटरैक्ट की। देखिए इस इवेंट की एक झलक। फिल्म राजा नटवरलाल के एक्टर इमरान हाशमी, डायरेक्टर कुणाल देशमुख, प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर और फिल्म से रिलेटेड और कई लोग नजर आए इस फिल्म के रैप अप पार्टी। फिल्म देसी कट्टे के कास्ट मेंबर्स सुनील शेट्टी और साशा आगा नजर आए उनकी फिल्म का प्रमोशन करते हुए। लेट्स हैव अ लुक। विद्या बालन के पास इस वक्त सिर्फ एक ही फिल्म है, इमरान हाशमी के साथ हमारी अधूरी कहानी, और ऐसा कहा जा रहा है कि शादी के बाद विद्या's career has taken a back seat। लेकिन इस एलिगेशन को डिनाई करते हुए विद्या कहती हैं, For the past 7 years, I have done only 1 or 2 films in a year, and that remains the same. Priyanka Chopra starrer much talked about Mary Com biopic के 2 first look posters reveal किए गए हैं और इन posters में एक बॉक्सर के रोल में प्रियंका दिख रही है काफी convincing. Here's a peek. खबरों की माने तो कटरीना कैफ कल यानी 16 जुलाई को अपना बर्थडे अलेज्ड बो रणबीर कपूर के साथ मनाएंगी और इसीलिए कैट फ्रांस के लिए रवाना हो चुकी हैं। रणबीर इज शूटिंग वो फिल्म तमाशा विद दीपिका पाडुकोन इन कॉर्सिका इन फ्रांस। श्रेयस तलपदे की प्रोडक्शन वेंचर पोस्टर बॉयज में फरहा खान एक कैमियो करती नजर आएंगी और श्रेयस ने अपरेंटली इस बात की खबर किसी को होने नहीं दी। सो व्हेन फरहा अराइव्ड ऑन द सेट्स फॉर हर एक्ट, सब काफी सरप्राइज्ड रहे। रितेश देशमुख और पुलकित सम्राट स्टारर बैंगिस्तान फिल्म के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर करन अंशुमन ने 2 पॉपुलर पोलिश एक्टर्स को साइन कर लिया है, जिजारी पजूरा एंड तोमास कैरोलैक। इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 25 को शुरू की जाएगी। रणबीर कपूर की फिल्म रॉय के सेकंड शेड्यूल की शूटिंग मलेशिया में 10 अगस्त को शुरू होने वाली है, पर अपेरेंटली रणबीर विल बी बिजी विद फर्स्ट द शूट ऑफ तमाशा एंड देन जग्गा जासूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हेंस रॉय माइट बी फर्दर डिलेड। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने इस बात को डिनाई किया है। जब एक रीसेंट इवेंट के दौरान सलमान खान से पूछा गया कि वो पॉपुलर टेलीविजन रियलिटी शो के इस सीजन को भी होस्ट करने वाले हैं कि नहीं, he said that nothing is final as of now. और जब सलमान से पूछा गया कि उनके अलावा इस शो को कौन होस्ट कर पाएंगे, he instantly replied saying शाहरुख खान। अब सलमान सीरियस है कि जोक कर रहे हैं, ये तो वही जाने। करण मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म वॉरियर विच फीचर्स अक्षय कुमार एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा विल सी अनदर फ्रेश फेस मेकिंग हर डेब्यू इन द इंडस्ट्री। ऐसा सुनने में आया है कि डायरेक्टर करण चाहते थे कि इस फिल्म में एक डेब्यूटेंट को कास्ट किया जाए और प्रोड्यूसर करण जौहर इस बात से सहमत है। जॉन एब्राहम के रिसेंटली कंक्लूडेड फुटबॉल वर्ल्ड कप शो में अपीयरेंस को लेकर काफी कहासुनी हुई थी और रिपोर्टेडली इसी वजह से जॉन ओनली मेड 1 अपीयरेंस ऑन दिस शो। इस सिलसिले में फाइनली जॉन ने बातें की और कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सॉ एन एक्टर कमेंटिंग ऑन फुटबॉल ऑन सच एन इम्पोर्टेंट शो। इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम एंड इफ पीपल वुड हैव अप्रिशिएटेड इट, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो अर्जुन कपूर को मिलन लूथिया की अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है और अपेरेंटली इस फिल्म के लिए अर्जुन को एक फैट रेम्यूनरेशन दिया जाएगा बिकॉज ऑफ हिज लेटेस्ट सक्सेसफुल फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस डू स्टे। संजय लीला भंसाली, जो कि शाहरुख खान को उनके अच्छे दोस्त मानते हैं, रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑफ हिज फिल्म मैरी कॉम बायोपिक फॉर SRK एट हिज ऑफिस। अपरेंटली भंसाली को उनके इस प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म के बारे में फीडबैक चाहिए था। खबरों की माने तो करण जौहर को रिसेंटली रिलीज्ड हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के रीमेक राइट्स मिल गए हैं एंड ही विल सून स्टार्ट वर्क ऑन दिस फिल्म। अब देखना ये है कि केजो इस फिल्म में किसे कास्ट करते हैं। ऋतिक रोशन जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिटनेस फ्रीक हैं, उनके जान पहचान वाले कई लोगों को फिट रहने के टिप्स देते हैं। हाल ही में उनके लाइफ कोच आरफीन खान ने ऋतिक को अप्रोच किया एज ही वांटेड टू लूज अ फ्यू एक्स्ट्रा पाउंड्स एंड ऋतिक अपैरेंटली हेल्प्ड आरफीन लूज अराउंड 20 kgs in just 2 months।